हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और आज आपके लिए आईपीओ पे वीडियो लेके आया हूं। और जो नया आईपीओ हमारा खुल रहा है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूं। और देखिए, देर न करते हुए मैं आपको ये सब कुछ बता देता हूं इस कंपनी के बारे में। और ये कौन सी कंपनी है, किसका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आ रहा है, मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए, आप NSE के आप वेबसाइट पर जाइए, प्रोडक्ट्स में जाइए और यहाँ पर आपको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दिख रहा होगा, तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है। और फिर से अगर वो विंडो खुला तो यहाँ पर करेंट मार्केट रिपोर्ट्स पर आप यहाँ पे क्लिक करके और बुक बिल्डिंग्स और करंट इश्यूज़ में आपको जाना है। तो यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया तो देखिए, आपको यहाँ पे सब कुछ दिख गया। करंट इशू एट NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कौन कौन से करंट इश्यूज़ हैं वो हमारा हम यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पोली कैब इंडिया लिमिटेड जो हमारा इक्विटी में आ रहा है और ये 5 अप्रैल को खुल रहा है। 5 अप्रैल से 9 अप्रैल को ये खुलेगा और इशू का एंड डेट आप देख सकते हैं कि 9 अप्रैल तक है और इशू स्टार्ट डेट इसका 5 अप्रैल को हो रहा है। तो 5 अप्रैल से, इसका मतलब कल से हमारा ये पोली कैब इंडिया लिमिटेड का आईपीओ खुलने वाला है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए, मैंने अगर यहाँ पे क्लिक किया पोली कैब इंडिया लिमिटेड तो इसका सारा इन्फॉर्मेशन NSE के वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाता है। तो देखिए, ये कंपनी का सिंबल रहेगा POLYCAB, तो इस सिंबल से ये NSE में लिस्टेड होगी। और इशू पीरियड आप देख लीजिए, जो मैंने आपको बताया 5 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में है। और पोस्ट इशू मॉडिफिकेशन पीरियड इसका 10 अप्रैल को है, इसका एक दिन बाद होता है। जैसे 9 अप्रैल 2019 को ये क्लोज़ होगा इसका इशू, तो वो 10 अप्रैल को 10 AM से आप 1 PM तक इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा इशू साइज़ आता है, तो मेन चीज़ हमारा इशू साइज़ है। तो देखिए, इसमें इक्विटी शेयर्स फ्रेश इशू ऑफ 4000 मिलियन, एंड ये 4000 मिलियन का ये फ्रेश इशू आएगा। इसमें शेयर्स इतने वो आपको ऑफ़र किए जाएंगे 4000 मिलियन, और ऑफ़र फॉर सेल है ये अप टू 1,75,82,000 का इक्विटी शेयर्स वो ऑफ़र फॉर सेल होगा। तो मतलब वो कंपनी के पास है उतना शेयर्स, और वो शेयर्स वो कंपनी आपको बेचेगी। और वो अब अगर आप शेयर्स बाई करते हैं तो वो पैसा जो है आपका वो कंपनी के पास चला जाएगा। तो वो ऑफ़र ऑफ सेल और ये हमारा हुआ, ये फ्रेश इशू हुआ। तो देखिए, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है IPO, जिसको हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं, और एक होता है हमारा FPO, जिसको हम लोग फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बोलते हैं। तो अगर कंपनी के पास शेयर है और उसको वो और भी कुछ बाई करना चाहती है, अगर इन्वेस्टर से पैसा लेना चाहती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। और ऑफ़र फॉर सेल क्या होता है, ये कंपनी के पास शेयर्स हैं और उसी उसी शेयर्स को बेच के और ये कंपनी पैसा लाना चाहती है। तो ये हमारा ऑफ़र फॉर सेल 1,75,82,000 का इसका OFS है, और 4000 मिलियन शेयर्स का इसका ये फ्रेश इशू है। तो ये हम लोग समझ लिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये कौन से प्रोसेस से इसका IPO ये प्रिपेयर होने वाला है। तो देखिए, इसमें 100% बुक बिल्डिंग है, और प्राइस रेंज इसका देखिए 533 से 538 के बीच में रहने वाला है। और ये हमारा एक बहुत ही मेन चीज़ यहाँ पे आप देख लीजिए, 53 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा ये एम्प्लॉई कैटेगरी में अगर कोई है और उसको बाई करना चाह रहा है तो 53 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर ये 533 है तो उसको डिस्काउंट मिलेगा, तो वो 490 पे भी ये बाई कर सकता है, उसके लिए वो लगा सकता है बिड। तो देखिए, उसको डिस्काउंट मिला है 53 रुपीज़ का, और इसका फेस वैल्यू 10 पे रहेगा। टिक साइज़ 1, बिड लॉट इसका देखिए 27 इक्विटी शेयर्स। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो हमारा टोटल मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, मैं ये कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। तो 533 हमारा मिनिमम ये हमारा प्राइस है, और इनटू अगर मैं करता हूँ तो 27 इक्विटी शेयर से, तो अगर मैं 27 यहाँ पे किया तो देखिए ये हमारा 14,391। तो इसमें 15,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, 15,000 के अराउंड अराउंड हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे 27 इक्विटी शेयर्स हैं, मीन्स वो हमारा लॉट है। और ये लॉट क्या होता है कि देखिए, अगर आप फ्यूचर्स में भी करेंगे
अगर आप ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के ट्रेडर हैं तो उसमें आपको समझ में आता होगा कि ये हमारा ऑर्डर क्वांटिटी, ये एक लॉट क्या होता है। तो एक लॉट में अगर जितने होते हैं तो हम लोग को मिनिमम कम से कम एक लॉट का बिड करना होता है, और एक लॉट में जितने भी शेयर्स होंगे उतना हम लोग को बाई करना पड़ता है, तो वो हमारा एक लॉट होता है। तो देखिए, इसका एक लॉट 27 इक्विटी शेयर्स का है और टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 15,000 का है वन लॉट के लिए। 2 लाख का हमारा मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट है। और ये आईपीओ का मार्केट टाइमिंग आप लोग को पता ही होगा, ये 10 AM से 5 PM के बीच में होता है, और इसका भी हमारा सेम ही है, 10 AM से 5 PM के बीच में है। और यहाँ पे देख लीजिए, सिंडिकेट मेंबर्स हैं एडलवे सिक्योरिटी लिमिटेड है, IIFL सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, कोटक सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, ये तीनों हमारे सिंडिकेट मेंबर हैं। और इसके लीड मैनेजर जो हैं, बुक रनिंग लीड मैनेजर्स इसको बोलते हैं, वो हमारे हैं कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, और भी सारे हैं, ये सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्पॉन्सर बैंक इसका ICICI बैंक लिमिटेड है, और भी आप यहां से रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इसका देख सकते हैं, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड का रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में हर एक चीज़ें होती है जो एक आईपीओ में आपको देखना पड़ता है, और हर एक चीज़ें होती है इसमें। और इसका प्राइस क्या है, इसके लीड मैनेजर कौन है, इसका डिटेल, सारा कुछ डिटेल जो आईपीओ में हम लोग को देखना होता है वो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में हम लोग सब कुछ देख सकते हैं। और ये ऐसा डॉक्यूमेंट माना जाता है जिसमें आईपीओ से रिलेटेड हर एक चीज़ें होती है, हर एक इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ होता है। तो देखिए, मैं इसके वेबसाइट पे जाता हूँ, तो देखिए पोली कैब इंडिया लिमिटेड का ये है, और इसका मैं अगर वेबसाइट पे जाता हूँ तो देखिए ये इसका वेबसाइट है, polycab.com से है। और यहाँ देखिए, प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो वायर्स, केबल्स, इलेक्ट्रिक फैंस, लाइटिंग एंड ल्यूमिनरीज, स्विचेस, तो ये देखिए इसके प्रोडक्ट्स हैं। ये क्या बनाती है, ये कंपनी केबल्स की कंपनी है, जैसा आप देख सकते हैं पोली कैब, तो पोली केबल कंपनी इसका ये हमारा नाम है पोली कैब। और देखिए, ये बनाती है वायर्स, बनाती है सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्ट है वायर्स केबल्स में, इलेक्ट्रिक फैंस बनाती है, और स्विचेस, सोलर प्रोडक्ट। तो ये हमारा अगर सोलर प्रोडक्ट बनाती है तो हमारे आने वाले टाइम में ये बहुत ही अच्छी कंपनी हो सकती है। और जो इलेक्ट्रिक हमारा इलेक्ट्रिक में ये कंपनी अच्छा जा रही है, और इसके जो प्रीवियस रिजल्ट हैं वो भी हमारे अच्छे हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे अबाउट अस में जाता हूँ तो ऐसा विंडो दिखने को मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, मीन्स FMEG जिसको बोलते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, उसको बनाती है ये कंपनी, सेलिंग वायर्स एंड केबल्स, ये वायर्स और केबल्स को सेल करती है अंडर द पोली कैब ब्रांड, ये इसका ब्रांड नेम है पोली कैब, आप देख सकते हैं पोली CAB, POLYYCAB इसका ब्रांड नेम है। और वायर्स और केबल से अपार्ट ये बहुत ही कंपनी ये सेल करती है FMEG, सच एज इलेक्ट्रिक फैंस, ये इलेक्ट्रिक फैंस को सेल करती है, और LED लाइट बनाती है, ल्यूमिनरीज बनाती है, स्विचेस इसके होते हैं जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस हम लोग यूज़ करते हैं, और सोलर प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं अगर सोलर प्रोडक्ट में ये कंपनी है तो हमारा आने वाला जो टाइम है वो सोलर प्रोडक्ट पे बेस होने वाला है, सोलार से बहुत ही ज़्यादा रिवेन्यू आने वाला है इनका। और अगर ये सोलर में बनाती हैं तो देखिए अभी सोलर व्हीकल्स भी आ रहे हैं हमारे, तो इसका लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा लग रहा है, और लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी पावर जनरेशन में और ये सोलर प्रोडक्ट में ये कंपनी अच्छा कर सकती है, और लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा कंपनी लग रहा है, क्योंकि ये वायर्स और जो भी सोलर प्रोडक्ट का आने वाला टाइम में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहने वाला है, इसका जो सेल्स है वो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। और आप देख लीजिए, इसका नाम है इनकॉर्पोरेटेड एज पोली कैब वायर्स प्राइवेट इंडिया लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, तो देखिए इसका टोटल नेम है पोली कैब वायर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये 10 जनवरी 1996 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, और मुंबई में है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अंडर कंपनीज एक्ट 1956 का जो कंपनीज एक्ट है उसके अंडर ये कंपनी लिस्टेड ये हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है। तो ये देखते हैं, इसमें ज़्यादा चांसेस लग रहा है कि इसका जो आईपीओ होगा ओवर सब्सक्राइब जाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा माना जा रहा है ये इन्वेस्टमेंट। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और
और भी मैं आपको अपडेट इसमें बता दूंगा, अगर कुछ अपडेट आया, इसका सब्सक्राइब हो रहा है या नहीं, ओवर सब्सक्राइब हुआ या अंडर सब्सक्राइब हुआ, उसको हम लोग देख लेंगे। तो देखिए, अभी और भी इसका डिटेल थोड़ा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। और देखिए, इसमें 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, 2 जॉइंट वेंचर्स हैं, टेक्नो टेक्नो एंड ट्राफिग्रा, जो कि लोकेटेड हैं हमारे गुजरात स्टेट में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव में हैं। तो ये देखिए, इनका बहुत ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं ये। तो ये अच्छा 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, और 25 4 जगहों पे इन्होंने बहुत ही अच्छा ब्रांचेस बनाया है, और उस ब्रांचेस में इन लोग का मैन्युफैक्चरिंग होता है। और ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, गुजरात बेस्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ़ एलईडी प्रोडक्ट्स, तो एलईडी प्रोडक्ट से बना रहे हैं। और आजकल आप मार्केट में देख रहे हैं कि कितना ही एलईडी प्रोडक्ट बिक रहा है, एक से एक लोग एलईडी प्रोडक्ट को बाई कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, जो इनका जॉइंट वेंचर है वो 50-50 जॉइंट वेंचर है, वो ट्रैफिग्रा के पास है 50, और ये कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है। और इसका मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका फ्यूचर। और हम लोग इसमें अगर देखना चाहें तो R&D की ये फैसिलिटी भी ये देती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इसके पास है, रिसर्च अपनी कंपनी करती है और उसको वो कंपनी अपने ही रिसर्च को पेटेंट करवाती है, और उसके बाद ये कंपनी वहाँ से और भी नए नए प्रोडक्ट्स को लाती रहती है। तो जिस कंपनी में ऐसे रिसर्च हो, नए नए इनोवेशन हो, इन्वेंशंस हो, तो वहाँ पे उसी इनोवेशंस के चलते ये ऐसी ऐसी कंपनी ज़्यादा ऊपर उठती है। क्योंकि अगर सोलर प्रोडक्ट्स में अगर इसने कुछ इनोवेशन किया, कुछ नए तरीके से इसने निकाला, मतलब अगर एनर्जी उसमें कम लॉस हो रहा है, तो ये कंपनी बहुत ही आगे जा सकती है। और इसका फ्यूचर्स यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इसमें कर सकते हैं, और इसको सब्सक्राइब और इसका बिड आप लगा सकते हैं। तो देखिए, आप देख लीजिए, यहाँ पे 3100 ऑथराइज्ड डीलर हैं इसके पास, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑथराइज्ड डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं 3100, और 29 वेयर हाउसेज़ हैं। तो देखिए, वेयर हाउसेज़ क्या होता है, जहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट्स को रखते हैं, जैसे हमारा कंपनी कोई कमोडिटीज़ का अगर वेयर हाउसेस हैं तो उसको हम लोग भंडार बोलते हैं, जैसे जहाँ पे हम लोग रखते हैं वो सारा सामान, उसको हम लोग वेयर हाउसेस बोलते हैं, जहाँ पे वो सारा कुछ प्रिपेयर होके और जैसे इन्वेंट्रीज टाइप में आप रखते हैं, तो वही हमारा होता है वेयर हाउसेस। वहाँ से हम लोग डिलीवरी ले सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही बड़े अमाउंट में होता है। तो ये हमारा 31 मार्च 2018 तक ये हमारे थे 3100 ऑथराइज्ड डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स थे। तो इसमें इसने कुछ प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट किया है, और एक्सपोर्टिंग में भी ये कंपनी आगे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वी एक्सपोर्टेड आवर प्रोडक्ट्स ओवर 40 कंट्रीज़। ये देखिए, 40 देशों में इन्होंने अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है। तो ये कंपनी टोटल ओवरऑल तरीके से अच्छी कंपनी लग रही है, और अगर इसमें हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है तो ये कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसका IPO बाई करना है, एक बिड लगाना है, तो आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, आप प्रोडक्ट्स आप देख लीजिए, टोटल वायर्स एंड केबल्स, इलेक्ट्रिक फैंस, लाइटिंग एंड लुमेनरी, स्विचेज एंड स्विच गियर्स, सोलर प्रोडक्ट, कंड्यूट्स एंड एक्सेसरीज, और ये सारी कंपनी इलेक्ट्रिक्स में ये ज़्यादा चीज़ें बनाती है। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल्स में ये लीडिंग कंपनी है, और ये अच्छी कंपनियों में से एक है, और इंडिया में इसका ज़्यादातर प्रोडक्ट अच्छा आ रहा है। और इन सारे प्रोडक्ट्स को देखते हुए हम लोग इसके IPO को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, जो भी कंपनी अच्छी होती है और उसका IPO आने वाला होता है, तो उसका हम लोग पास्ट एक्सपीरियंस देखते हैं और पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं कि कैसा होता है, कैसा है इसका पास्ट परफॉर्मेंस। अगर ये कंपनी ने पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा दिया है तो हम लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं बिल्कुल। और इन्होंने बहुत ही अच्छा डिलीवरी दिया है, और अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट को बनाया है, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, और एनर्जी कंजप्शन इनका कम है,
तो इन सारे फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए फाइनली हम लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर इसका सब्सक्रिप्शन ओवर जाता है, ओवर सब्सक्राइब्ड होता है, तो फिर ये कंपनी प्रीमियम पे लिस्ट हो सकती है। थैंक यू दोस्तों।